पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि कुछ महिलाएं समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? ये प्रश्न उनके मन में उस समय आया जब उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति के बिना जीवन बिताने को विवश हो जाती हैं और वे इसके कारण का पता लगाना चाहती थीं। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं और जिनके पास संसार की समस्त जानकारी है, ने लक्ष्मी जी को इस प्रश्न का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया कि विधवा होने का मुख्य कारण स्त्री के कर्म और उसके व्यवहार में निहित है। भगवान विष्णु ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों का परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति तिरस्कार का भाव रखती है, उसे अनादर करती है, उसकी सेवा नहीं करती या उसकी अवहेलना करती है, तो उसे समय से पहले विधवा होने का श्राप मिल सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का संबंध प्रेम, आदर और सेवा पर आधारित होना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने पति का अनादर करती है, तो यह संबंध कमजोर हो जाता है और इसके कारण उसे पापों का भागी बनना पड़ता है। ऐसे पाप के कारण उसे अकाल विधवा होने का श्राप मिलता है। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि पति पत्नी के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। ये संबंध तभी सफल हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम करें और एक दूसरे की सेवा करें। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि यह श्राप वास्तव में एक चेतावनी है जो स्त्रियों को अपने कर्तव्यों और पति के प्रति उनके व्यवहार के प्रति सजग करने के लिए है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका व्यवहार और कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर एक स्त्री अपने पति के प्रति सच्चे दिल से प्रेम और आदर दिखाती है, तो वह हमेशा सुखी रहेगी और किसी भी प्रकार के श्राप से बची रहेगी। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये था कि स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपने पति का सम्मान करें और अच्छे कर्मों का पालन करें ताकि उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो। ये कथा धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर कहा, हे देवी, इसका उत्तर कर्मों और जीवन के नैतिक सिद्धांतों में छिपा है। हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का फल मिलता है और यह जीवन की नैतिकता के आधार पर निर्धारित होता है। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति सही व्यवहार नहीं करती, उसे अपमानित करती है, उसकी देखभाल नहीं करती या उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखती है, तो इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी और सुशिक्षित महिला रहती थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और कठोर स्वभाव की थी। उसका पति एक दयालु और सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी के व्यवहार की शिकायत नहीं की। उसकी पत्नी ने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। वह हमेशा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती और अपने सुख साधनों में लिप्त रहती। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति के प्रति बहुत कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वह ये भूल गई थी कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आदर ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसी दिन रात को जब वह सो रही थी, उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके पति का जीवन खतरे में है और उसे एक साधु का श्राप मिला है। साधु ने कहा कि उसकी अपनी क्रूरता और पति के प्रति अपमानजनक व्यवहार के कारण उसे विधवा होने का श्राप मिला है। उस स्त्री ने सपने में साधु से पूछा कि क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है। साधु ने कहा, यदि तुम अपने पति के प्रति सच्चे दिल से प्रेम और आदर दिखाओगी, उसकी सेवा करोगी और उसके साथ बराबरी का व्यवहार करोगी, तो तुम्हारे जीवन से यह श्राप हट सकता है। स्त्री की आंखें खुली और वह घबरा कर उठी। उसने तुरंत अपने पति के प्रति अपने व्यवहार को बदला। उसने उससे माफी मांगी और भविष्य में उसे कभी अपमानित न करने का वचन दिया। उसने अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया, हे देवी, ये कथा ये दर्शाती है कि पति पत्नी का संबंध केवल प्रेम और आदर पर आधारित होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से ये संतुलन बिगड़ता है, तो जीवन में दुख और विपत्तियां आ सकती हैं। स्त्रियों को विशेष रूप से अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह न केवल उनके जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि उनके परिवार और समाज में भी शांति और समृद्धि लाता है। लक्ष्मी जी ने इस कथा को समझा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जीवन में संबंधों का महत्व अत्यधिक होता है। किसी भी संबंध में आदर, प्रेम और सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये समझाया कि कर्मों का फल जीवन में अवश्य मिलता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सम्मान और प्यार बनाए रखना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार के श्राप या दुखद परिणाम से बचा जा सके।